नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने वाले के हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद राजस्थान में मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां आधा से अधिक राजस्थान में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद है और धारा 144 लगा दी गई है। बीते एक सप्ताह से चल रहे महाराष्ट्र मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां कल देर रात पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिले और राज्य सरकार के अल्पमत में होने की बात कहते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग की। ONGC के हेलीकॉप्टर की अरब सागर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जिसमें दो पायलट समेत 9 लोग सवार थे, इनमें से 4 को बचा लिया गया, बाकी लापता है। जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से बम बम भोले के जय घोष के साथ आज तड़के अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया, जो कल पारंपरिक पहलगांव और बालताल मार्ग से पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान करेगा। देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है, जहां 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। देर रात असम से कुछ विधायक महाराष्ट्र पहुंचेंगे और 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सतीश चंद शर्मा बने दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों को अंजाम देने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन ने MSME के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों को लागू करने और ग्राहकों उपभोक्ताओं के विवरण के सत्यापन के लिए समय सीमा 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस्पात मंत्रालय ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान की मदद से PM गति शक्ति पोर्टल पर खुद को शामिल किया है। इसमें इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत CPSC के सभी इस्पात संयंत्रों के जियो लोकेशन को अपलोड करके डेटा का पहला चरण तैयार किया है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं गोवा और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की जान चली गई, जहां मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। असम हायर सेकेंडरी परीक्षा के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे, जहां छात्र आधिकारिक वेबसाइट resultasam.nic.in पर चेक कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विकास अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर एवं कृषि विकास अधिकारी मुद्रा संरक्षण पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in के माध्यम से आज शाम तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 100 दिनों में किए गए कामकाज पर 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इस दौरान सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अग्निपथ के विरोध में आज धरना प्रदर्शन करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को अनुदान में बिजली देने के वादे के अनुसार 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने पर सरकार ने बजट में कोई फैसला नहीं लिया। वहीं उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बने वैट रिफंड के मुद्दों को भी 6 महीने के लिए टाल दिया है। हरियाणा के पानीपत में फास्ट ट्रैक एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष को अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है, जहां बदमाशों ने उनकी कार पर पोस्टर चस्पा कर दिया और लिखा, समाज सेवा छोड़ दे नहीं तो मुसे वाला जैसा ही हाल होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर कई चुनौतियां थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाई। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है, जहां देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा और बढ़ाने के लिए CBI एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट पहुंची, जहां 3 सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के बुधनी और उज्जैन में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पश्चिम बंगाल में बारिश से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद बागडोगरा से सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात दंगा मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप में तिस्ता सितलवार को गिरफ्तार कर 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बीडी अनुरागी की रिपोर्ट। छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें नगर विकास वचन पत्र जारी किया गया। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि पानी का बिल माफ होगा और हाउस टैक्स हाफ होगा। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली अंतर्गत स्थानीय कस्बे में दिनदहाड़े घर में घुसकर मां बेटे की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पुलिस जांच में जुट गई है। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ के पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा जन सुनवाई की गई। इस दौरान फरियादियों को गंभीरता पूर्वक सुना गया और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को आदेश दिया गया। महुआ जिलाधिकारी मनोज कुमार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण टॉप 10 विद्यार्थियों को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। महुआ जिला के कुलपहाड़ तहसील के सुगीरा गांव निवासी देशराज राजपूत जो रोड पर खड़े थे, उन्हें जबरन बाइक सवारों ने बाइक पर बिठाया और उनके जेब से 3,000 रुपए निकाल कर 100 मीटर आगे उतार दिया, जिसकी सूचना बुजुर्ग ने अपने बेटे के साथ पुलिस को दी। अजवाइन का पानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह वजन कंट्रोल करने के साथ ही पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gsecl.in पर 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।